तो कैसे हैं आप लोग? आज अपन फिर से कई दिनों बाद वापस बॉलीवुड को लपेटने वाले हैं। मतलब मैं आज आपको मिथुन चक्रवर्ती के ऐसे एक्शन सीन्स दिखाऊंगा जिनको देखने के बाद आपकी आत्मा सोचने पे मजबूर हो जाएगी और आपका दिमाग जो है वो कांप उठेगा। दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा और आत्मा कांप उठेगी। हाँ हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ होगा। तो चलो आओ यार, वैलेंटाइन वीक की बाबासिर के बारे में सोचना बंद करो, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लगा के देश को संभालो और शुरू करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की मार्शल आर्ट के साथ। अस्सी नब्बे के दशक में हॉलीवुड चाइनीज मूवीज वगैरह वगैरह में गजब की मार्शल आर्ट दिखाई जाती थी। अब ये लग गई भाई साहब बॉलीवुड वालों के हाथ में। अब उस टाइम इंडिया में इंटरनेट वगैरह था नहीं, लोग कुंग फू कराटे के बारे में इतना जानते नहीं थे। इन्होंने उठाया भाई साहब इसका पूरा फायदा। ये बेटे फेंकने लग गए लंबी लंबी, कभी उंगलियां ऐसे करके मारो, कभी उंगलियां ऐसे करके मारो। मतलब कुंग फू कराटे को शत्रुमुर्ख का अंडा बना के रख दिया इन्होंने। कुछ भी। अभी यहाँ पे देखो मिथुन दा पता नहीं कौन सी आर्ट दिखा रहे हैं। देखने के बाद इसकी बेचारे की फटके आ गई हाथ में और ये जाके अपने तशरीफ बचाने की कोशिश करता है। मेरे भाई, जिस तरीके से हमारे हीरो ने इसको मारा है ना, देखने के बाद मेरी फटके हाथ में आ गई थी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? शुक्र मनाओ कि आयरन मैन की लड़ाई थानों से हुई थी। मिथुन दा के धक्के चढ़ गया होता तो टोनी स्टार्क के भी फटके हाथ में आ गए होते। अरे खतरनाक लोग हैं। हमारे इधर एक कहावत चलती है कि घोड़ी के मालिक के आगे से और घोड़ी के पीछे से कभी नहीं निकलना चाहिए। अब मालिक का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन घोड़ी पीछे से बेकिंग ऐसी मारती है कि खाने वाला आदमी पानी नहीं मांगता है। लेकिन ये बेकिंग मारना सिर्फ घोड़ी, भैंस या गाय जैसे जानवर ही जानते हैं, लेकिन मिथुन दा तो आर्टिस्ट है, वो तो सब जानते हैं। अब देखो यहाँ इनको बांध रखा है और नीचे लगी है आग। टेनिस गेंद को जरा स्टैंड में पहुंचाइए कुछ इस प्रकार से। इसे कहते हैं जान पे खेल के बचाना। बाकी तो बॉलीवुड ग्रेविटी की माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया नंबर वन ब्रांड है ही, उसमें तो कोई शक नहीं। और साथ साथ बेटी की रस्सी भी अंतर्यामी है। अब देखो यहाँ पे हाथ में, यहाँ पे आने के बाद लापता है और ऊपर जाते ही फिर से हाथ में। अब देखते हैं ठग लाइफ मोमेंट्स ऑनलाइन किसी के साथ। मैं बगैर छुए बगैर हाथ लगाए किसी की भी पप्पी ले सकता हूँ। अरे चाचा, अगर मैंने बिना छुए पप्पी ले ली तो तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए देना, और अगर मैंने छू लिया तो मैं तुम्हें 100 रुपए जुर्माना दूंगा। 10 रुपए नहीं है शर्ट लगाने के लिए। चल लग गई। माफ करना, मैंने तुम्हें हाथ लगाकर पप्पी ले ली, मैं तो 100 रुपए हार गया। अरे मेरा दिन ही खराब है। हाय 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 राजा जी, 100 के नोट का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, गरीबी का पता आ चल रहा है मेरे को। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अब चलो वापस ग्रेविटी की माँ बहने करते हैं। हाँ ये कर लो पहले। दादा यहाँ पे गाड़ी लेके आ रहे हैं और ऊपर वाले की दया से 300-400 ग्रेनेड में से एक इनकी गाड़ी पे लग ही जाता है फाइनली। लेकिन मिथुन दा जान बचाने के लिए ऐसी छलांग लगाते हैं कि एक बार को तो न्यूटन की गोटी भी मुंह में आ जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हें तो फांसी होगी। फांसी? अरे भाई साहब 3 फांसी की सजा का मैं इस काम के लिए तो। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीचों बीच खड़े हैं फिर भी गोली नहीं लग रही। इतनी गोलियों में तो बेचारे आदमी की छलनी बन जाएगी। एक अच्छी बंदूक की गोली 3 आदमियों के पार निकल जाती है कम से कम। लोग गाड़ियां बुलेट प्रूफ बनाने में लगे हुए हैं, यहाँ मिथुन दा जिंदी बुलेट प्रूफ बाइक लेके घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं वो गया इस्तेमाल कराने, बस घूम रहे हैं। लकड़ी की कुर्सी भी बुलेट प्रूफ बना रखी है यार, हद है। मतलब भाई पिस्टल नहीं ले रखी उन्होंने, इतनी खतरनाक AR हाथ में ले रखी है, कम से कम इस बंदूक की तो इज्जत कर लो यार। कुछ भी। नरक में इस डायरेक्टर के लिए पक्का अलग से 2 कड़ाई रखी होगी। हम इसको खोलते हुए तेल में तलेंगे। भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है यार, कुर्सी से बचा रहा है भाई। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। देखो साउथ के हीरो आदमी को मारते हैं केले से, भोजपुरी वाले जो हाथ लग जाए उसी से मार देते हैं, और हमारे मिथुन सर मारते हैं तौलिए से। अरे
अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मिथुन सर हाथ में लगे कांच से जिंदा लोंडा मार देते हैं। ये चीज सोचने वाले को मेरी तरफ से सात खड़ी तोपों की सलामी है मेरे भाई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्योंकि भाई इतनी खतरनाक चीज सोचना कोई मामूली काम थोड़ी है। सोचो कितना दिमाग लगाया होगा उसने। कुछ चीजें तो इन्होंने इतनी ओवरहाइप बना रखी है कि सामने वाले को सोचना पड़ता है कि सालों को कौन सी गाली दे। इसकी माँ का भोला चेहरा, मतलब दिखाएंगे मैटर इतना बड़ा जिसका सोल्यूशन बिल्कुल एक छोटा सा होता है। मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो कि खुदा पार निकली काली कुतिया। अब इसको यहाँ पे देखो, फुल दोनों ताकत लगा रहे हैं, जोर लगा के इनको खींच रहे हैं, पर इसको यहाँ से ऊपर करने के बाद कोई भी इंसान नीचे से बाहर आ सकता है। और एक ये वाला देखो, ये उछल के ट्रक में कैसे घुस गए, इसको तो जाने दो। हाथ से आदमी को मारने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, ये यहाँ पे पैर से गला दबा के मार रहा है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब लोग भी बेचारे क्या करते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं इनको देखने के अलावा। कैसे जैसे करके बेचारे पानी का घूंट गले से नीचे उतारे लेते थे, अब ये उठाने लग गए उसका पूरा फायदा। इन्होंने सोचा अब तो कुछ बड़ा करते हैं। भाई साहब मौत को धोखा देने लग गए ये लोग। फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता। अंत अस्ति आरंभ, अंत ही आरंभ है, पर ये अंत होने कहाँ दे रहे हैं जो नया आरंभ होगा। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। मैं संपूर्णेश बाबू को ट्रोल कर रहा था, ये काम तो साला अपने यहाँ पे भी बड़ी इज्जत के साथ हो रहा है। बाकी अगर हकीकत में मुर्दा शमशान में जिंदा हो जाए ना तो देखने वालों का मुंह निकल जाता है वहाँ पे। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ ये है सीन लेजेंडरी वाला। इस सीन के मजे भाई साहब इतने लोगों ने लिए हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ट्रोलिंग मिथुन दा की इसी वजह से हुई होगी। जबकि यहाँ पे हकीकत में मिथुन दा कवर नहीं ले रहे हैं बल्कि इंतजार कर रहे हैं। वैसे इंतजार करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर जो है ठीक है। पीछे मुड़कर देखो, रेवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखाई नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूँ। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दूसरों को बताइए, और पसंद नहीं आया तो मेरे को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।